यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हेडलाइन है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यहीं पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे कुछ सीन, अभी हो गया रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो बैलेंस आता है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट इस जो क्वेश्चन में दो पार्ट है, विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विदाउट जीएसटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹4,000, और बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ो। और लास्ट में बताया है लास्ट सेंटेंस, सो ऑल्सो हाउ द सेम अकाउंट विल अपियर इफ इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द असेट ईच ईयर। अंडर ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस फर्नीचर अकाउंट बनाओ डेबिट क्रेडिट, और लिखो फर्नीचर अकाउंट में ईयर भी नहीं दे रखा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करोगे। फर्स्ट ईयर तो कैश अकाउंट 4,000, और 5% डेप्रिसिएशन कराओ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। तो फर्स्ट ईयर का एंड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 का 5% 200, और 4,000 को डेबिट साइड में टोटलिंग में उतारो, इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो 4,000, -200 करो, आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,800, और डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकेंड ईयर में, टू बैलेंस 3,800। ये सेकेंड ईयर का एंड में क्रेडिट साइड में लिखो सेकेंड ईयर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 200, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 200, और 3,800 से 200 गया तो 3,600 आएगा। टोटलिंग डेबिट साइड में उतारो 3,800, उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो, -200 करो, सेकेंड ईयर में आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,600, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा थर्ड ईयर में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,600, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड में आएगा थर्ड ईयर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 का 5% 200 रुपये, तो टोटल होगा 3,600, और क्रेडिट में आएगा 3,600 -200 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन 3,400, उसको डेबिट साइड में लिखो फोर्थ ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस 1,400, और फोर्थ ईयर में भी स्ट्रेट लाइन 4,000 का 5% 200 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 200 रुपये, और 3,400 को टोटल करो, उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो, और इससे 200 माइनस करो, और लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,200, और उसको डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन फिफ्थ ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,200, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहेगा, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, और इसी का एक वेरिएंट है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यही क्वेश्चन करके दिखाओ। तो आई विल शो दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग प्रोसेस और प्रोसीज्योर, आपको समझ में भी अगर ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप पब्लिक पोर्टल में मेरे को लिख के दीजिए कि क्या क्या सुधार होना चाहिए। और आप अगर अच्छी तरह समझ में आ गया आपको, आप मेरे वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आराम से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।